नमस्कार, आप देख रहे हैं NI 24x7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। इन दिनों नरवर नगर में भाजपा पुलिस और राजस्व प्रशासन के शराबी पटवारी के द्वारा एक ऐसा पुलिस माफिया रैकेट आया है जो पुलिस लिखेवान में लाठी कुलाड़ी गैते फावड़े व लाइसेंसी बंदूक के साथ अपने आधा दर्जन गुंडों के अलावा पुलिस वाला वाहन जीप जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली में बॉस बल्ली आदि भरकर विवादित पटवारी द्वारा चिन्हित कराए गए स्थान पर पहुंच जाता है और शासकीय तथा अशासकीय भूमि पर हवा में बंदूक लहराकर अवैध कब्जा करने का कार्य संपादित करने लगता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरवर नगर के वार्ड नंबर 09 में स्थित और शासकीय भूमि सर्वे नंबर 807/2 पर ग्राम के विवादित पटवारी पुलिस वाला भूमाफिया रैकेट को लेकर जेसीबी आदि व आधा दर्जन असामाजिक लोगों को लेकर पहुंचा और भूमि स्वामी की भूमि में लगी पट्टियों को बिगाड़ कर रोंद कर जेसीबी चलाकर खेतों की जुताई कर दी और होटल लावा का निर्माण प्रारंभ कर दिया। भूमि स्वामी बदनलाल व उसका परिवार घटना स्थल पर पहुंचा तो पुलिस वाला माफिया गैंग का सरदार नारायण सिंह रावत नामक व्यक्ति ने अपने गुंडों के साथ पीड़ित के परिवार के आधा दर्जन लोगों की मारपीट की और कुल्हाड़ी तथा बंदूक लहराकर खेत पे कब्जा करने से रोकने पर लाशें बिछाने की धमकियां दे दी। जानकारी के मुताबिक घटना संबंध में नरवर के राजस्व प्रशासन को सूचित किया गया तो वह भी कोर कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में माफिया रैकेट के सहयोगी के रूप में देखा गया। नगर के पुलिस वाला भूमाफिया रैकेट द्वारा सरेआम अपने हथियारों के साथ बंदूक की नोक पर विवादित भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए भूस्वामी के परिवारजनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने के बावजूद भी नरवर का प्रशासन माफिया गैंग को वरदानी भूमिका में मौके पर देखा गया। नरवर नगर में ठेके का सक्रिय प्रशासन चर्चाओं में बना होकर नरवर के बेशकीमती संपत्तियों को भूमाफिया रैकेट के माध्यम से ठिकाने लगाने व लाखों की अवैध आय प्राप्त कर में लाखों की भूमि खरीदने के आदमी लगा हुआ है।